मोतिहारी में शराब से मौत पर सीएम नीतीश ने दुख जताते हुए मुआवजे की घोषणा की है। यानी बिहार में अब जहरीली शराब पीने से मौत होने पर मुख्यमंत्री सभी पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। सिर्फ मोतिहारी ही नहीं बल्कि इससे पहले जितने लोगों की शराब पीने से मौत हुई है उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा लेने के लिए परिजनों को शर्त माननी होगी। अब बिहार में जहर के कहर के बाद शर्त मुआवजे पर भी सियासी पारा हाई हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। और गद्दा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे। शराबबंदी के नाम पर अवैध उगाही, माफियाओं के साथ मिलकर पैरेलल ये व्यवस्था चला रहे हैं। 4 लाख रुपए उसको हम मदद करेंगे। 2016 का वो वक्त याद होगा आपको, जब बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। सीएम नीतीश को भरोसा था कि शराबबंदी कानून से राज्य की तकदीर बदलेगी, लेकिन कई मौकों पर हुआ इसके उलट। शराबबंदी कानून लागू होते ही कई जिलों में जहरीली शराब से मौत हुई। शुरुआत में सीएम नीतीश ने मुआवजा भी दिया, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने शराब पीने से मौत पर मुआवजा नहीं देने की घोषणा कर दी। साफ कहा था कि गलत चीज पियोगे तो मरोगे ही। शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये घोषणा तब हुई जब छपरा में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई थी, लेकिन लोग जहर पीने से बाज नहीं आ रहे थे। जहरीली शराब से मौत होती रही। सीएम नीतीश लगातार अपील करते रहे कि जहर से दूर रहें, शराब से दूर रहें, लेकिन जहर का नशा ऐसा कि जिंदगी खत्म होती रही। परिवार में आंसुओं का सैलाब बहता रहा, वो तो चला गया परिवार में बेहिसाब दर्द छोड़कर। तंगहाली देख सीएम भी थोड़े से नर्म पड़े, घोषणा कर दी कि दे देंगे मुआवजा जहरीली शराब से मौत पर। सोच लिए कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। अब मान लीजिए साधारण परिवार है, गरीब परिवार, उसका कोई कुछ काम करता है, पी लिया जहरीला शराब, उसका डेथ हो गया, ये हो गया, तब उसके परिवार को अगर वो लोग लिख करके दे देगा और उसके बाद हम उसको मदद कर देंगे। सीएम की ये पहल राहत नहीं, सख्त संदेश भी है। जहर पीने वालों को भी, उनके परिवारों को भी सहायता राशि की घोषणा जरूर हुई है, लेकिन शर्तों के साथ। और ये शर्त ये है कि मुआवजे से पहले परिजनों को शर्त माननी होगी। शराब कहाँ से ली वो परिजनों को बताना होगा, शराब बेचने वाले का नाम और उसका पता बताना होगा, पीड़ित परिजनों को डीएम को लेटर देना होगा, परिजनों को लिखना होगा कि शराबबंदी अच्छी चीज है, लेटर में शराबबंदी के समर्थन की बात लिखनी होगी, भविष्य में परिवार का कोई भी शख्स शराब नहीं पिएगा ये भी बात लिखनी होगी। मौत जहरीली शराब से हुई और उन लोगों ने डेड बॉडी का डिस्पोजल कर दिया, तो ऐसे केसेस में जिला प्रशासन अगर आश्वस्त हो लेता है और पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं इस बात के कि वास्तव में मृत्यु जहरीली शराब से हुई थी और उन्होंने डेड बॉडी का डिस्पोजल किया, तो ऐसे केसेस में जब जिला प्रशासन पूर्णतः आश्वस्त हो लेगा और उसके प्रतिवेदन पर मुआवजा दिया जाएगा। जहरीली शराब से मौत पर सियासत पहले से ही जारी है। बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक शराब से मौत पर मुआवजे के लिए अड़ी थी, लेकिन बीजेपी की इस मांग के आगे जाकर सीएम नीतीश ने मुआवजे का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। शराबबंदी के नाम पर अवैध उगाही, माफियाओं के साथ मिलकर पैरेलल ये व्यवस्था चला रहे हैं, और अगर जो इनको थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो ये जिम्मेवारी लें कि जब पूर्ण शराबबंदी है तो फिर शराब कैसे आ रहा है, और आ रहा है तो सरकार की फेलुरिटी है। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को। आज जहरीली शराब में 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है चंपारण के इलाके में। कल छोटे छोटे पदाधिकारियों पे कार्रवाई हुई, अरे बड़े पदाधिकारी पे कब कार्रवाई होगी? इसके लिए तो डीजीपी को दोषी मानना चाहिए ना, इसके लिए होम सेक्रेटरी को मानना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को मानना चाहिए, और स्वयं नीतीश कुमार जी गृह मंत्री हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।
यानी शर्तों के साथ बिहार में अब जहरीली शराब पीने से मौत पर परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और 2016 के बाद जो भी मौतें जहरीली शराब से हुई है उन्हें भी मुआवजे का लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।